गुड मॉर्निंग दोस्तों, बड़को नमस्कार, छोटको ढेर सारा प्यार, हमारी दोस्ती रहेगी बरकरार। चलिए दोस्तों, आज का लोग शॉर्ट करते हैं, सारी बहनों को हैप्पी भाई दूज, दोस्तों सारे भाइयों को भी हैप्पी भाई दूज। तो यस, चलिए आप लोग भी भाई दूज सेलिब्रेट करो, हम भी सेलिब्रेट करते हैं। उससे पहले मैं चकाचक हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ और कपड़ा पहन लेता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट पहन लेते, तैयार होते हैं और फिर हम भाई दूज का त्यौहार मनाएंगे। ठीक है, तो मम्मी के भ्राताश्री आ चुके हैं, तो यस अब मम्मी अपना भाई दूज का करी। नहा दी तो अभी नहाई भी नहीं है, तो मैं नहाई से पूछवाऊंगा क्यों। ठीक, मैं नहीं पूछवाऊंगा उनसे। अबे जा, तू खुद ना आया है क्या? मैं भी नहीं नहाया, खुद ही नहीं होगा, खुद ही नहीं होगा। हां तो दोनों साथ में जा, साथ में नहाएंगे। चुप, एक ही बात रूम है। अबे साथ में नहाएंगे मतलब तू नहा लेना। मम्मी नहा ली है और मम्मी थाल सजा रही है अपने भाई के लिए, है ना। मम्मी दही वही भी डालूंगी ना, वैसा हाथ में डालते है पानी। कहा है वो सब? मम्मी एकदम ऐसा कर रहे हैं, बाप रे, खुशी हो, खुशी हो। वो दही भी डालते हैं ना हाथ में, वाले में ना वो पूछते मंत्र बोलते हैं। तो कब करोगी आप वो सब? वो सब को पहले सरना चाहिए था। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा मम्मी अपने छोटे भाई को, मम्मी बड़ी बहन है और मामू छोटे भाई है, तो मम्मी अभी उनको पूजा करेगी। फिर अभी चावल के इसका वो बनाएंगी, पेस्ट बनाएंगी जो हाथ पे लगता है और उसके हाथ मंत्र बोलते हैं ना। दोस्तों अभी दोस्तों नेहा दीदी बना रही है, क्या बना रही मम्मी? नेहा दी क्या बना रही मम्मा? नेहादी का बना दिए रंगोली, तो रंगोली रंग से बना दिया। तो देख लो, जैसे कि आप देख लो अभी नेहादी बना रही है। चलो मेरी बहन को कुछ का लूर है, मुझे लगा नहीं था नेहादी को कुछ आता है। अकल है, अकल है, लग रहा अभी दिख रहा भी नहीं है। हमें इसका अर्थ क्या होता है पहले आप ये बताओ। अर्थ क्या होता है इसे? माजी भी आ गए क्या? अरे कुछ नहीं होता, शुगर भी क्या, तो क्या हो गया बताओ? तो अच्छा ही है ना? नहीं फिर ये बोली कुछ नहीं, भगवान थोड़ी है। अब मम्मी मामू की साइड बैठेंगे। अच्छा, लाभ हो और ये क्या, इसका मतलब यही होता है ना? तो क्या, थाली लेके चलो, हम स्थान ग्रहण करिए। अपने मामू को इतना आगे बैठा हुआ ना कि आपको सामने से जगह ही नहीं रहेगा, मालूम है? स्पेस मैनेजमेंट मुझे समझा ही नहीं। अब इतने से एरिया में मम्मी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस चालू हो चुका है पूजा का, नहीं निकलो आप। मम्मी को कुछ नहीं आता, नहीं की कभी तीन बार करते हैं मम्मी का, और सुपारी का तो सुपारी भी, अरे ठीक है नहीं है तो हो गया। बज्जर खाओ और बज्जर हो जाओ, आपको बोलना चाहिए हमें बज्जर बजरी खाई है भैया, बज्जर भैया लाख मरी। मेरे को नहीं, मामू को बोला तरक्की करो, खूब बरक्की करो, मेरे को इधर देगा मामू, जिंदगी दे, जान दे, सबको रक्षा करे, हर बुरी नजर से बचाए। अरे बाप रे, मामू को दिक्कत दे रहा है। दोस्तों आपने देखा ऐसे मेरा जी को करिए। तो फाइनली मामा जी पूजा करके चले गए, उनका ऑफिस था आज, मामू को छूटा ही नहीं था तो मामू चले गए। आप कुछ ही पहनो ना, मेरे से क्या पूछ रही हो? तो कुछ ही पहनो, कुछ भी, कुछ भी। तो मामू चले गए, बाकी अभी नेहा जी नहाने आएगी, फिर मैं जाऊँगा नहाने। ठीक है दोस्तों, यस अभी नेहा जी फाइनली नहा के आ गए और नेहा जी ने मुझे बोला कपड़ा प्रेस करने उनका। तो चलिए भाई दूजे, भाई को काम नहीं करना रहता लेकिन कर देते हैं, तो लग जाते हैं कपड़ा प्रेस करते, दीदी का इस्त्री करते हैं, रहा दीदी का कपड़ा। चलिए दोस्तों इस्त्री स्टार्ट करते हैं, दोस्तों लग जाते हैं इस्त्री करने में। इस्त्री को डाल दिया गर्म होने के लिए, कर लेता हूँ मैं, अच्छा इस्त्री भी कर लेता हूँ। दर्द है ना दोस्तों, दर्द आप समझ सकते हो, और कोई नहीं जो देखता वही समझता है, बाकी दीदी लोग क्या समझेंगे, दीदी लोग तो सिर्फ ऑर्डर करते हैं। तो चलिए करता हूँ इस्त्री। अब ये मैं सोचता कि मैं इस्त्री अच्छे से करता हूँ तो आप लोग भी दोगे मेरे को, समझ रहे होगा, ये ओनली फॉर सिस्टर्स ओनली, और वो भी स्पेशली भाई दूज के लिए। नेहा दीदी, नेहा दीदी अरे इधर आओ, ये को ना ये कैसे हो रहा है, स्पाइन करो तो प्रेस ऐसे नहीं करते, दिखा छोड़ ना, देख देख देख, हाँ वही बोल रहा हूँ ना दोस्तों, प्रेस अच्छा नहीं है तो हम प्रेस नहीं करेंगे ना, ऐसे ही पहनेगी तो कपड़ा तो इस्त्री नहीं हुआ। चलो देखो इस्त्री कर लेता है, आई मीन देखो एकदम तरोताजा कर लेते, तो इसके लिए चलो शुद्ध पानी से शुद्ध होते हैं। तो लेट्स गो, अभी मैं जाता हूँ आंगोड़ यानी स्नान करने, स्नान करके आऊँगा और स्नान करने के बाद हम करेंगे भाई दूज का शुभ कार्यक्रम स्टार्ट। फाइनली नहा के आ गया हूँ, यस बाल थोड़े गीले, थोड़े सुखाने पड़ेंगे, मतलब टॉवल से मारना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं मार देता फटाफट, और यस टी शर्ट पहन लिया, अभी जीन्स पहन लेते हैं और तैयार हो जाते फुल फ्लेज्ड। बाल वाल एकदम सुखा लिया, मतलब टॉवल से एकदम ब्रश कर दिया थोड़ा,
मालिश टाइप। और यस जी पहले फुल रेडी हो गया, आज उठ गई तो मुझे बोला जा रहा है कि ये कपड़ा नहीं पहनो, ये टी शर्ट नहीं पहनना है, और मुझे पहना है कुर्ता एंड पैजामा, तो चलिए पहन लेते। बोलते हैं कि आज नहीं पहनना चाहिए, सूरज भी बोला कि नहीं, तो चलिए ठीक है कोई नहीं, हम चेंज कर लेते फटाफट और पहनते कुर्ता पैजामा। पहले कुर्ता पहन लिया है तो चलिए अभी चलते हैं और हमारे भाई दूज का कार्यक्रम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी दो बहनें और हमारा भाई रेडी है, तो चलिए मम्मी आप खाना बना रही हो, चलिए इधर आप पार्ट जहाँ पर मामा जी बैठे थे इधर ही हम बैठेंगे और हमारा पूजा होगा, बस मम्मी की जगह में हमारी बहनें आएंगी। मुझे गिफ्ट मिलेगा एक्सेप्शन कैसे है दोस्तों, ऐसे तो मेरे को देना पड़ता है, एक दीदी गिफ्ट देते हुए शैताली दीदी उन्हें मेरे को गिफ्ट मिला, क्या लगता है गिफ्ट मेरे को होगा चौकी मतलब और चड्डी मतलब ना वही बता दिया भाई, ये रहा मेरा टी शर्ट, अच्छा गिफ्ट है, हर वन को टी शर्ट ही मिलता है अलग अलग वरायटी का, आप देखिए कोई पहनता रहूँगा बता दूंगा एक शर्ट। अब दीदी नंबर टू आ गई यानी नेहा दीदी, अब नेहा दीदी पूजा करेंगी, लेकिन नेहा जी को आता ही नहीं, शर्मा नहीं दीदी देखो अपना अपना मंत्र बोल रहे हैं, शर्मा दे ए, मम्मी ये गलत बोल रही आ रही है, बोलो क्या ये यार भाई मेरा उम्र बढ़ना चाहिए, ऐसा सब ऐसे तो गंगा जी का हमेशा पानी भरता ही है, गंगा नहाते जमुना के हम नहाते जी भाई के, जब जब गंगा के पानी भरे तब तब हमारे भाई के आयु बढ़े, ठीक है क्या एक काम के नहीं होने वाली, एक काम के नहीं, नंबर टू दीदी नंबर टू एक दूसरे को पूछेंगी, मतलब दीदी नंबर टू भाई नंबर टू को पूछेंगी, नहीं दीदी सिर्फ आप ही रहती हो पूरे घर में, मेरी सारी बहनों में एक्सेप्शन आप हो। यस फाइनल फोटोशूट हो गए, यस कुछ फोटोज क्लिक किए हमने, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज क्लिप्स आए, बहुत अच्छे लगे, मेमोरीज हो जाएंगे, और यस अभी दीदी चली आएंगी, तो चलना हम भी चली रहे ना, नीचे चल गए अभी हम जा रहे हैं चैताली नहीं बोलो नियति के घर पे, यानी हमारी छोटी बहन नियति के घर पे, और उधर ही बाकी सारे भाई बहनों का भी रियूनियन होएगा, तो वो एक हमारा सेंट्रल लोकेशन जहाँ पर सब आके एकत्रित होएंगे और उधर हमारा पूजा होएगा, तो चलिए अभी चलते हैं डायरेक्ट नियति के घर पे, चलो हम चलते हैं, दीदी चली गई। सो फाइनली पहुँच गए, देखो मऊ तैयार होकर बैठे हैं, तैयार होकर नहीं पूछ के बैठे मेरे, हेलो क्या हो गया पूजा हो गया ना, तो मेरा पूजा बाकी है, माँ का बाकी है, बाकी लोगों का हो गया है, निहाज इनका करी और मेरा बाकी बहने करेंगी, दादी पूजा कर रही है, इधर हमारी चाची है और इधर हमारी कालीकंची महाराज, निहाज जी कालीकंची की पूजा कर रही है, वाओ पूजा कर रही है, हाथ बड़ा करो फटाफट, हाँ बड़ा कर रहे हो आप, ऐसा होता है
आ गया क्या हो गया क्या हो गया खाने की चीज में क्या क्या है जो आप हाथ में रो क्या क्या है उसमें और चना देख के नहीं बोला बिना देखे बोलना है और सुपारी भी है सुपारी भी है पेशेंस इज विनिंग क्या गाड़ी का नाम खाने का नाम हाथ से सब गिर रहा है कालीगंज हाथ से सब गिर रहा है कालीगंज आपका बाल है कि कूड़ा दान है हाँ कालीगंज आपका बाल है कि कूड़ा दान है कालीगंज आप बाल क्यों साफ कर रहे हो फैशन गंदा हो जाएगा चिपक गया कालीगंज और वो बाल पे अंदर उन्होंने पूछा है वीडियो लिया हो देख लेना बाद में यकीन नहीं है पहले गाल का तो साफ करो कालीगंज गाल मेरी दीदी ने लगाई आपको कालीगंज दे रहे हैं कालीगंज अभी तनेश पूजा कर रहा है तनेश एक काम करो आप ही मंत्र बोलो नेहा जी नहीं बोलेगी जरूरी नहीं है बोल सकते हैं आपको आता नहीं आप ऐसा बोलोगे तो एक बार बोल के दिखा दो ना फिर और बोल गए ना मन तो नहीं आता मुझे हाँ तो ऐसा बोलेगा ना कि भाई नहीं है फिर जाने दे इंडिया जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा क्या बात करो आपको इतना डाउट यकीन कैसे है रोहित शतक मारेगा पक्का कितने बॉल पे कितने बॉल पे कितने बॉल पे 110 बॉल 120 जीत जाएगा क्या नहीं आदि खिला पाएगी क्या नहीं आदि खिला पाएगी आइए देखते हैं तो चलिए मामू बैठ जाइए कौन मामू मामू बैठ गए मामू ऐसे कैसे बैठूं मामू थोड़ा पलटी मारो मैं चाहता हूँ आपका पलटी भी हवे में होना चाहिए ऐसे ही काली कच्ची क्या करें मम्मी हमें को ये बताओ वो मंत्र क्या होता है जो बोलते हैं पूछते समय कालीगंज की बात है मेरे को कालीगंज की बहुत उम्मीद थी अरे बस बस ज़्यादा गुस्सा नहीं बस बस बोला ना सॉरी कालीगंज सॉरी इतना चिल्ला रही है ना ये कोई कंपनी ने पहले चिल्लाती रहती ना दी चलिए कोई नहीं आप पूजा पे फोकस करो मम्मी का हो गया मामा को पूछ के है ना मां डन यस सेम पकड़ रही बस कालीगंज बस बहुत बुरा लग रहा है मामा ने दिया मम्मी को गिफ्ट आशीर्वाद के साथ एक मैं इधर बैठूंगा सिर्फ इधर बैठेंगे एक तीर से दो शिकार मेरा पूजा हो रहा है अब आ रही मेरी बहन नंबर 4 बहन नंबर 4 आपका नाम क्या है पूजा चल रहा है हमारी बहन और हमारी के जो जगह का के हर रहे के बन भाई भाई का है ना
या उसको इसके लिए पीछे कांदा कट रहे हैं इसके लिए। हमारी बहन नंबर 5 हमें पूजा करी। चलिए अच्छी आ रही है, अच्छी लग रही है। मैं सोच रहा था नेती पानी गिराएगी, लेकिन नेती नहीं, आची ने पानी गिरा दिया। आची ऐसा क्यों क्यों किया आपने ऐसा? इतने आसानी से पानी निकल गया, समझा लगा नहीं था। ये पानी बहनों को पीना रहता है वाले भैया, ये पानी बहनों को पीना रहता है। वाइट खाता हूँ मैं, तीनों बार वाइट खाया, इस बार भी वाइट ही खाऊंगा। ओके जूस बाद में दूंगा दोस्तों, आप ये मत सोचो मैं नहीं दूंगा, दूंगा। ये काट रहे तो पीछे लग गए दोस्तों। अब आ रही है बहन नंबर 5, उसका नाम है आर्य। क्या है ये सब, ऐसे किया करो यार। नमस्ते। मारता है मेरे को, मारता है तू, मजाक करता है तू, मजाक। हां मतलब एक तू मारा सॉरी पे धन्यवाद बोलती है। जैसे मनीष बाबू गिफ्ट आया ना, वैसे ही गिफ्ट आएगा। मतलब इनका इनका गिफ्ट का ऑर्डर हो चुका है कि नहीं? ऑर्डर हो गया। ट्रिपल ट्रिपल वाइट खत्म हुआ था, इसके लिए गुलाब जामुन खाया। नहीं तो तीनों वाइट मैंने खाया, तो वाइट मैंने इसलिए गुलाब जामुन काम करना पड़ा। अब आप क्यों बैठे हो? आप भी उठो, आशीर्वाद दिया आपको सिखाना चाहिए। आशीर्वाद ए बड़े भाई का आशीर्वाद बनता है, चलो आओ फटाफट। बहुत आइकॉनिक हो गई है दोस्तों। भाई नंबर 2 को बहन नंबर 4 पूजा कर रही है। बस भाई बस, बहुत अच्छे दिख रहे हो, क्या बात। पान फट गया नेती जी, अभी क्या करेंगे? कोई नहीं, शेष भैया ऐसे ऐसे पान खा लेंगे, है ना भाई। नेती जी सुनो, पान का पत्ता फेंकना मत, जो पान का पत्ता रहेगा ना शेष भैया को देना, वो पान खा लेते हैं। है चुप आप। भाई नंबर 3 को बहन नंबर 4 पूछना स्टार्ट करेंगे। ये देखो अपो भाई, देखो हाथ देखो कैसे पकड़े, इसे पान का पत्ता अटक गया। हाँ कहाँ है दिमाग, मुँह में सिर्फ पान खाते हो, हाथ में डालो कभी पान। आप पे थोड़ा अच्छे से, अरे लेफ्ट से और राइट से करो अच्छे से, मैं बताता हूँ। देखो इधर से तू ही कर दे भाई, बैठ कर। अरे ऐसे नेती, वो व्हाइट वाला, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला। हाँ थोड़ा पानी लगाना है, नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं, पानी की रेस नहीं, ऐसे ही कर। उसको पता चल गया नेती, इतना सीरियस में कोई पूजा करता है, एक शक्ल में स्माइल होना चाहिए। बहुत अच्छे अफुआ आंटी को, अफुआ आंटी को बहुत छेड़ते हैं, अच्छी है ना। अबू भाई, अबू भाई पूजा के पावन अवसर पे आपको ये सब करना हुआ। दोस्तों अभी निहा दीदी बहन नंबर 1 आई बहन नंबर भाई नंबर 3 को पूजा करने, तो चलिए अभी निहा दीदी लग गई पूजा करने। चलो पूजा कर, पूजा ये भी अबू भाई को पेड़ा खिला दी है ना। ये क्या लिखे, ये सब क्या है इसका? कुर्ता पे गम दिखा जा, कुर्ते पे दम दिखा जा, इश्क का चांद दिखा जा, मेरा साथ आ जा, साथ आ जा, साथ निभा जा। ये भी बहन नंबर 3 आ गई है। भाई नंबर 3 को पूजा करनी है। बहन नंबर 5 भाई नंबर 3 को पूजा करिए। अब वो है चना भी, इसमें खा लो आप चना।
क्या ये बहन नंबर सिक्स भाई नंबर तीन को पूजा कर रही है? क्या बात है, आप हंस रही हो? अरे मैंने बोला मेरे को पूजा की उस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में आर्या ने पूजा की थी, इसीलिए बहन नंबर सिक्स नेहा जी आंटी मामा का पूजा कर रही है, मिठाई खिला रहे, मिठाई मिठाई खाओ मामू अच्छे से खाओ, एक और खाओ एक और खाओ एक और, अरे अरे अच्छे से मामू गिर जाओगे आप, खाओ खाओ अरे खाओ मामू एक, हाँ तीन चार खिलाओ, तीन चार खिलाओ बजरी, बज्जर होने दो मामू को, तीन चार हाँ ये तो प्यार से रहेगा, और जितना बार हाथ छोड़ेंगे उतना मान जाएगा, तू साउट तू साउट तीन ही रहता, चार पाँच आ अब आप बॉडी बिल्डर हो जाओगे, अब आप बज्जर होने वाले हो, टी शर्ट एक काम करो मामू आप मेरा पहनना चालू करो अच्छे से कर सीख जाएगा ऐसा बोलो टाइट होएगा बाकी पहले मामू आपका क्या ख्याल है अपू भाई के बॉडी के लिए? अरे यार अपू भाई नहीं ना, कोई नहीं मामू अपू भाई के समक्ष बोलेंगे हम, मामू आपके बॉडी का तीन चार डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे, प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे कि आपको और क्या करना चाहिए, पहले डिस्क्रिप्शन चलो फिर बोलो मामू, ठीक है तो चलिए मामू की पूजा करें, मामू नहीं बड़े मम्मी पूजा करिए मामू की, दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पूजा हो चुका उधर, हम चलते हैं और आते हैं उधर, फाइनली घर पे आ गए और अभी नाजी मैगी बना रही है, खाना कुछ बनाने तो मैगी खाएंगे, चलिए कोई नहीं मैगी खा लेते उसमें क्या, और फिर नाजी को गिफ्ट देना बाकी बाकी बहनों को गिफ्ट दिया, 100 ने कैश दिया, गिफ्ट दिया नहीं था सॉरी चिल्लाना मत, लेकिन दे दिया गिफ्ट दे दिया, दो बहन से अभी कराना बाकी है और नेहा जी गिफ्ट देना बाकी, फाइनली मैगी बन गई और मम्मी मैगी बैठ रही है, आइए मैगी खाते हैं मजे से, है ना आप क्या खा रही हो, आप मैगी नहीं खाओगी तो ये क्या है, अच्छा भाई और मैगी दोनों खाएगी आप, क्या बात, फाइनली मैगी सब हो गया, आइए मैगी खाते हैं और मिलते हैं मैगी खाने के बाद, अभी हम जा रहे हैं बुआ के घर, चलिए नेहा जी अभी उधर हमारी कुछ दो बहनें और नेहा जी के लिए एक भाई, अब उनके साथ भाई दुश्मन आए तो चलिए अभी चलते हैं उधर, चलिए बुआ के घर पहुँच गए, अब देखिए क्या बना रही हूँ, क्या बना रही हो जी, इसको बोलते क्या है, क्या आई पन नीनू सो ये है हमारी फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर यानी कि चंदन की सबसे बड़ी सिस, फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर और तेरी सबसे बड़ी सिस जो अभी चंदू को पूछ रही है, गणपति के टाइम पे देखे रोके जो उछल उछल के नाच रही थी और टुल्लू भी दिखा रही थी, और ये उनके दो नटखट बच्चे इधर, एक है रावण दूसरा तारका, दोनों ऐसे ही नमूने कटे, दोनों भी मस्ती हो रहे बहुत, बट अच्छे है छोटे बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, और ये हमारे यहाँ पे वो सुंदर सुखना का होती ना वो है वो, ये देखो मेरा भांजा नाच रहा है, ममता दी चंदू ने अभी ब्लॉग में एक प्रथा निकाला है वो मंत्र एक बार जोर से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जोर से हमको सुनाई नहीं दे रहे, अगर किसी को झाड़ू मरवाना हो तो इनको कांटेक्ट कर लेना, ये अपना लहंगा पहन के चल लेंगी तो साफ ऐसे ही हो जाएगा, देखो इनके घर में सुबह से झाड़ू नहीं मराई है, लहंगा पहन के घूम रही है और झाड़ू हो रहा है, और ये मेरा भांजा कैमरा मैन, ए कैमरा जोर से बोलो, नहीं ऐसे नहीं जोर से बोलो, आप यहाँ पे देखिए हमारी सबसे छोटी मौसी छोटे भाई को कर रही है, क्योंकि ये 25 है और ये इतना नहीं रिवील करना होता है, लेकिन हम करते हैं, हाँ तो ठीक है ना, बुआ के घर से भाई करके आ गए, हाथ पूजा लिया है दीदी ने, ममता जी ने मेरा हाथ पूछ लिया और मनीषा जी ने पूछ लिया, मजा आ गया दोस्तों, यस पूछा था और नेहा जी ने रक्षा को पूछा, तो यस पूजा संपन्न हुआ, मनीष भाई आपने पूछा है कहा, मनीष भाई को, लेकिन मैं सब तब शायद अवेलेबल नहीं था तो इसके लिए, तो चलिए हाथ पूछ लिया, अभी हम जाएंगे बाहर, यस दोस्तों मैंने बोला था मैं गिफ्ट दूंगा नेहा जी को, नेहा जी का गिफ्ट था बाहर जाने का, यस नेहा जी का मन था थोड़ा बाहर खाने का, तो थोड़ा बचा था, बजट इतना नहीं था कि सारी बहनों को दे सकता, तो इसके लिए सबको नहीं, नेहा जी और
बाकी मम्मी उम्मी को अपना भर देंगे, मैं सिर्फ निहारी का भर रहा हूँ कसम से, बाकी मेरा फंडिंग कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं, और रक्षा का भी क्योंकि रक्षा फर्स्ट टाइम रिलीज आई है इसके लिए। तो चलिए चलते हैं, पार्टी करेंगे, पार्टी पार्टी। तो चलिए देखते कहाँ जाते हैं, अभी हम निकल चुके हैं, देखते हैं हम जा रहे हैं कहाँ खाने के लिए, डिसाइड हो चुका है लोकेशन, तो उधर ही पहुँच के आपको दिखाता हूँ। अभी वेटिंग पीरियड है 5-10-20 मिनट्स अभी लगेगा, वेट करें, जैसे हो जाएगा फिर जाएंगे अंदर। भूख भी लगी है लेकिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि सीट फुल है अंदर। पहले वेटिंग पीरियड खत्म हो गया और हम एंट्री मार रहे हैं, और ये रहा हमारा सीट। और मेन्यू देखते हैं, दीदी मेन्यू देख रही है, हाँ, और जिसको मेन्यू नहीं मिला वो ऊपर देखो। दीदी हम अभी खाना खाते हैं फिर बाद में देखते हैं ना, आपको फोटो ही खींच लूँगा ऊपर चढ़ा के। फाइनल ऑर्डर भी आ चुका, हमने ऑर्डर भी किए, अब ऑर्डर देखते हैं ऑर्डर है क्या क्या, मैं आपको बताऊंगा नहीं ज़्यादा, बैक मेन्यू दिखाऊंगा। ओ भाई, मैं दिखाने से पहले सबके मुंह में चला गया, इसमें आटी है ना बराबर, बाप रे बाप। और ये है ग्रिल सैंडविच, ये गार्लिक ब्रेड, वो है चीज़ कॉर्न मोमोज, और ये है चीज़ बर्गर, और क्या है, अच्छा है, मज़ा आया। फाइनली खाना खा के हो गया, अभी हम चल पड़े घर की ओर। उधर बताने पे बहुत भीड़ हो गया था, और यस ये जहाँ पर काउंटर था उधर भीड़ हो गया, तो ये सी जैसे तो भीड़ हो गया था। गाइस मजा आ गया खाना खा के, इट वाज टोटली सुपर्ब टेस्टी, और पेट भर गया दोस्तों। यस, और इतना बंच ऑफ ये था ना वैरायटी प्लेट प्लेटर्स में, तो मज़ा आया। तो दोस्तों ये चल पड़े घर की ओर, ऑटो का वेट करें, ऑटो ढूंढ रहे, जैसे ऑटो आएगा घर पे ऑटो में बैठ जाएंगे और निकल जाएंगे घर। दोस्तों अभी चल के जा रहे हैं घर पे, ऑटो मिला नहीं, मम्मी लोग को बैठा दिया ऑटो में, अपू भाई लोग को भी बैठा दिया, मैं और श्रेष्ठ चल के आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, बाय, गुड नाइट, बाय 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 दोस्तों।